गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बंद कमरे में ट्वीट पर रहकर कमलनाथ आगे हो सकते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, शिवराज से कमलनाथ की कोई तुलना नहीं हो सकती। कमलनाथ सोशल मीडिया में सबसे आगे हैं। कांग्रेस के इस दावे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को जनता ने नकार दिया है, कमलनाथ बंद कमरे में सिर्फ ट्वीट में आगे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना काबू में है, आज कुल 10 केस मिले, 12 लोग ठीक हुए हैं, अब कुल 163 एक्टिव केस बचे हैं। उन्होंने कहा, अन्य प्रदेशों से सैंपल में हम आगे हैं, रोज 70,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर लोगों की भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र से लगी हुई सीमाओं पर टेस्ट के खासे इंतजाम किए गए हैं। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 20 लाख से अधिक बेटियों और बहुओं का टीकाकरण होगा। मिलावटखोर माफियाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अब दूध में मिलावट करने वाले माफियाओं पर सरकार नकेल कसेगी और मिलावटखोरों को नहीं बख्शा जाएगा, मिलावट पर कसावट बनी रहेगी। राजनगर में SI पंकज शर्मा को 2 लोगों की जान बचाने पर उन्हें राज्य स्तर का पुरस्कार दिया जाएगा। जनता में करते तो अच्छा था, बंद कमरे में रह के ट्वीट पर कमलनाथ ही आगे हो सकते हैं, जनता के बीच में शिवराज जी आगे। मैं मानता हूं कि शिवराज की और कमलनाथ जी की कोई तुलना नहीं है, वो जनता के बीच का है और जनता के दिलों पर जिसका है राज वो है शिवराज। कोरोना की स्थिति लगातार नियंत्रण में बनी हुई है, आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 10 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों के लिए गए हैं। 163 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के हैं। कल हमने 73,653 मध्य प्रदेश में सैंपल लिए थे। संक्रमण दर हमारी 0.013% ही रह गई है, जबकि ठीक होने की रिकवरी रेट हमारी 98.6% है। अधिक हमारी बेटी और बहुओं के लिए आज से टीकाकरण अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में चूंकि संक्रमण दर ज्यादा है, तो महाराष्ट्र से आने वाली सीमाएं अभी हमने प्रतिबंधित की है। जिन राज्यों के संक्रमण दर ज्यादा है, वहां से आने वालों को पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद में अंदर लाते हैं। मिलावट पर कसावट हमारी पार्टी का अभियान है और वो लगातार चलने वाला है। ये मिलावट दूध की नहीं है, किसी भी क्षेत्र में मिलावट अगर पकड़ी जाएगी तो पुनः अभियान चलाकर कोई भी मिलावटखोर जो जनता की जान से खेलने का दुस्साहस करेगा उसे कानून नहीं बख्शेगा। बाढ़ को लेकर सभी जगह अलर्ट किया गया है। प्रदेश के सभी थानों को कहा गया है कि जहां भी अति बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति है, उस पर नजर रखें और जहां स्थिति बिगड़ती है वहां तुरंत राहत बचाव कार्य प्रारंभ करें। पुलिस में हेड कांस्टेबल को चाकू मारकर घायल किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि 5 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार हुए हैं, 2 आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो भी भराव के स्थान हैं, बाढ़ के स्थान हैं, वहां सभी थानों को अलर्ट किया है कि ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस करे, जहां लोग फंस सकते हैं, लोग बह सकते हैं, एहतियात के लिए और वार्निंग के लिए भी व्यवस्था करें। कुछ लोग अप्रिय स्थिति भी निर्मित करते हैं। आज भोपाल में हमारे हेड कांस्टेबल को चाकू से घायल कर दिया। पांच लोग थे, 3 लोग अभी गिरफ्तार हो गए, 2 भी आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो उनका जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई करेंगे, पर अपराधी कोई भी हो हम बख्शेंगे नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।